बाबा सभी धर्म के बच्चे सब बाप के बच्चे हैं। कौन से बाप के बच्चे हैं? शिव बाप के बच्चे हैं। फिर कभी कभी कोई कोई मुरली में किसी को पक्षपात के जैसा लगता है, यानी कि कड़ा शब्द लगता है, वो मेरा समझ में कमी है। मनुष्य को 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, कोई मनुष्य को एक बच्चा घर में बैठता रहता है, कोई बात कोई काम करने के लिए इनकार कर देता है, होता है ऐसा बच्चा? एक बच्चा है सारा दिन रात दुकान की जिम्मेवारी संभालता है, बाकी 8 बच्चे नहीं संभालते हैं, 9वां बच्चा तो है ही बेकार नाफरमान। फिर भी तो बाप के बच्चे तो है ना? है, लेकिन बाप अपनी दुकान किसको सौंपेगा? किसको सौंपेगा? समझदार वाले। क्यों ये पासरिटी क्यों करता है? बच्चे तो सभी हैं, बाप ने तो सबको पैदा किया है। अरे फिर पैदा क्यों किया है? इसलिए नियम बना हुआ है। क्या आदिकाल से ये नियम बनता चला आया है? क्या नियम बनता है? जो पहला बड़ा बच्चा होता है उस वो प्योरिटी की ज्यादा पावर से पैदा होता है, बाद में जो बच्चे पैदा होंगे उनमें बाप की माँ की प्योरिटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। इसलिए ये परंपरा चली आ रही है, इसमें पार्शियलिटी की बात नहीं है। और उम्रादी सरस्वती मम्मा एक उम्रादी सरस्वती मम्मा हाँ एक गेम कब आए थे? ओम राधे सरस्वती मम्मा जब यज्ञ में आए उस समय ब्रह्मा बाबा यज्ञ छोड़ के भागे नहीं थे। क्या जब यज्ञ के अंदर विस्फोट हुआ धोबी घाट का, यज्ञ के आदमी भी धोबी घाट था या नहीं? अरे मुरली में क्या बोला? आदि से ही धोबी घाट चलता चला आया है। तो वो धोबी घाट की बात जो है जब समाज में प्रत्यक्ष हुई बाहर तो सब टिके रहेंगे या जो मजबूत होंगे वो ज्यादा टिके रहेंगे? हैं? जो मजबूत थे वो टिके रहे राम वाली आत्मा के साथ और युद्ध करते रहे, और बाकी कमजोर सब चौकड़ी मार के भाग गए। सबसे पहले कौन भागा? ब्रह्मा बाबा भाग गए। शास्त्रों में भी जिसको स्वर्ग का अधिष्ठाता बनाया जाता है किसको है? शास्त्रों में स्वर्ग का मुखिया किसको बनाया गया? इंद्र को। उसको कैसा दिखाते हैं? डरपोक दिखाते हैं। थोड़े में ही दिल हिल जाता है। पुरानी बात छोड़ दो, सन 68 की बात पकड़ लो, 68-69 की। बाबा तो कहते हैं योगियों का हार्ट पावरफुल होता है या कमजोर होता है? योगियों का हार्ट कभी फेल नहीं हो सकता, और ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल हो गया। जैसे बोलते हैं ना, बाप कहते हैं कि मैं पत्थर ठिककर भीतर में प्रवेश नहीं करता, तो ठिककर किसे कहा जाता है? मिट्टी का ढेला। थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और बिखर गए। तो ब्रह्मा बाबा को भी माया की ठोकर लगी या नहीं?
नहीं लगी? लगी। और बिखर गए या नहीं बिखर गए? बिखर गए। तो बाप उसमें नहीं आते, फिर कौन आया? माँ आई। माँ कमजोर दिल वाली होती है या मजबूत दिल वाली होती है? माँ का हृदय कमजोर होता है, पार्टी है ऐसा है। और आज बाल चतुर्दशी की दिन है, आज बाल चतुर्दशी की दिन बोलते हैं, तो आज के दिन में सदबी यानी सात चीज के बीच रोपण करने से बहुत कल्याण ही कल्याण होते हैं बोलकर भक्ति मार्ग में बोलते हैं। और ज्ञान मार्ग में सच है या कैसा है? एक बात समझ ले बाबा, आज के दिन को भक्ति में बाला चतुर्दशी बोलते हैं। आज के दिन को? आज के दिन क्या खास बात है? बाला चतुर्दशी बोलते हैं। बारहवीं चतुर्दशी, बाला चतुर्दशी, बाला कृष्ण का नाम है। और आज के दिन वो सत बीज छरते हैं, सत बीज बोते हैं, सात बीज बोते हैं। हाँ, और इसको बहुत कल्याण समझते हैं, मानते हैं। हाँ, क्या रहस्य? तो बाला कौन है? बालाजी किसको कहा जाता है? अरे बालपन का पार्ट किसने बजाया? कृष्ण ने बजाया बच्चे का पार्ट। और जो बच्चा बुद्धि जो कृष्ण है, उस बच्चा बुद्धि कृष्ण से सतयुग में जो राजाइयाँ चलेंगी, कितनी राजाइयाँ चलेंगी? नहीं, कृष्ण तो वो तो है ही है, सात राजाइयाँ चलेंगी। तो सप्तऋषि हैं, बीज हैं सारी सृष्टि के। आया समझ में? हाँ जी, इसी के आधार से रखा हुआ है। हाँ जी, सारी जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने भी त्योहार हैं, उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संग में फाउंडेशन पड़ता है। हाँ जी माता जी। हाँ बोलो, भला कुछ बोल रहे थे? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखलाते थे, मुरली में आया ना, तो मुरली तो 49 से चली, 49-47 से मुरली चली कराची से, तो मम्मा उससे पहले आई थी कि नहीं? बिल्कुल आई थी। हाँ, मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, इसका मतलब मुरली तो सन 47 से ही चलना शुरू हुई, उससे पहले मम्मा आई थी, तब तो मम्मा बाबा कहा। हाँ, बाबा अधिक मुरली में आता है, शिव बाबा कामी काटा में आते हैं, कामी काटा शरीर में बाबा आते हैं। हाँ, फिर मुरली में, और मुरली में ये भी सुना है कि कामी काटे सबसे ज्यादा कामी काटे इस्लाम धर्म यानी कि मुस्लिम धर्म के होते हैं। हाँ, तेरे की मैंने कही थी। जो इस्लाम धर्म द्वापर युग के आदि से आता है, उसको भी जन्म देने वाले कोई निमित्त बनते हैं या नहीं बनते हैं? प्रैक्टिकल जीवन में तो रचयिता ज्यादा पावरफुल होता है या रचना ज्यादा पावरफुल होती है? रचयिता पहले हुए या बाद में हुए? रचयिता पहले। माने द्वापर से पहले भी उनका बाप मौजूद था, वो आधार मूर्त। और आधार मूर्त को भी जन्म देने वाला बीज कोई और है, वो उससे भी ज्यादा पावरफुल। तो जो ज्यादा पावरफुल होता है, वो गिरती कला में भी नीचे ज्यादा जाता है या सिर्फ उड़ती कला में ही ऊंचा जाता है? हाँ, नीचे भी ज्यादा जाएगा और ऊपर भी जास्ती जाएगा। जितना नीचे जाएगा उतने ही ऊपर जाने की भी उसमें पावर होती है। तो इस्लाम धर्म सबसे ज्यादा पतित है, बाप नहीं है, है? अरे तो हाँ ना, कुछ तो कहो, आगे बढ़ने दो। हाँ, और आगे नेपाल विश्व में सबसे सुंदर देश है, नेपाल विश्व में सबसे सुंदर देश है। जापान? नेपाल, नेपाल, नेपाल। प्राकृतिक रूप में नेपाल सबसे सुंदर देश है। हाँ जी, फिर भी यहाँ के लोग बहुत दुखी है, दरिद्र है,
इसका ज्ञान की हिसाब से क्या राज होगा? इसका ज्ञान के हिसाब से यही राज है कि जब भगवान ने नई दुनिया तैयार की थी, नया मकान सृष्टि का बनाया था, तो उसको पालने वाले जो पहले पहले तैयार हुए, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले, वो नेपाली थे। नई पाल कौन सी दुनिया का पालन करने वाले थे? नई दुनिया की पालन करने वाले थे। वो ऊंची स्टेज में रहते थे या नीची स्टेज में रहते थे नई दुनिया की पालन करने वाले? अरे जोर से बोलो ना, ऊंची स्टेज में रहते थे। तो वो जो ऊंची स्टेज में रहने वाले नई दुनिया की पालन करने वाले नेपाल हैं, उनकी यादगार है ये नेपाल। तो वो जो पालन करने वाले गरीब थे क्या बाबा? गरीब? अरे आज नेपाली गरीब है या पावर रईस है? आज तो गरीब है। हाँ जी, आज यादगार है। तो वो नई दुनिया पालने वाले जो थे वो भी गरीब थे? हाँ, गरीबों को ही बाप मिलते हैं, बाप गरीबों को ही आके बरसा देते हैं। और बाबा मुरली में आता है हनुमान विकार की प्रति, हनुमान को विकार की प्रति एडवांस की मुरली में आता है, हनुमान को विकार की प्रति में पूछ थी। हनुमान की पूछ है वो लंबी है, विकार की, हाँ विकारों की पूछ कही जाती है। बाबा ने मुरली में विकारों की पूछ बताइए, देह अभिमान की पूछ बताइए। फिर दूसरा उसमें तो भक्ति मार्ग में गाया जाता है हनुमान ब्रह्मचारी का, हाँ बाल ब्रह्मचारी भी है, हाँ हाँ, इसका रहस्य? तो वो संपन्न स्टेज का गायन है या अधूरी स्टेज का गायन है? है बाल ब्रह्मचारी, जो बाल होता है, बाल माने बच्चा, बच्चा ब्रह्मचारी नहीं होता है, है? और जो बच्चा बुद्धि होगा वो पवित्रता का अर्थ गहराई से पकड़ेगा या बच्चों की तरह पकड़ेगा? है बच्चे की तरह पकड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने प्योरिटी का अर्थ ही ऊपर ऊपर पकड़ा, उन्होंने समझा बच्चे को गोद में ले लिया, बच्चियों को ले लिया गोद में, हिलाया डुलाया है, वो समझते हम पवित्र बन गए। क्या पवित्र बन गए? इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया है? हो गया नहीं हो गया? वो बच्चियां भी डिस्चार्ज होती थी गोद में बैठ करके, और ब्रह्मा बाबा भी डिस्चार्ज होते थे, पता किसी को नहीं चलता था। तो ये पक्की ब्रह्मचारी व्रत है, इसको ब्रह्मचारी कहेंगे? शंकर जी को ब्रह्मचारी व्रतधारी कहेंगे या कृष्ण को कहेंगे? शंकर को कहेंगे, उनका यादगार है बना हुआ मंदिर में, शिवलिंग रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? है सर के ऊपर रखा हुआ है। अरे मंदिर में जो यादगार शिवलिंग रखा हुआ है वो सर के ऊपर रखा है या नाक के ऊपर रखा है? जमीन में रखा हुआ, मंदिर में रखा हुआ। खुल के बोलो ना। मंदिर में रखा हुआ है बाबा? मंदिर में नहीं रखा हुआ है, जलाधारी में रखा हुआ है। उसको कहते हैं जलाधारी, जल को धारण करने वाली, धारणा शक्ति ज्ञान जल की किसमें है? जलाधारी में, पार्वती में, उसमें जास्ती प्योरिटी है। तो कीचड़ में रखा हुआ है, कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि कहाँ है? परमधाम में है, इसलिए डिस्चार्ज होने की बात ही नहीं। जैसे मिसाल दिया महबूब और महबूबा का, महबूब कारखाने में जा रहा है, सारे रास्ते आंखें खुली हुई जा रहा है, और कारखाने में जाकर के किसी ने पूछा तुमने क्या क्या देखा रास्ते में? कहता मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो अपनी महबूबा की याद में था। क्यों? आंख इंद्रिय काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? खुली थी या बंद थी? क्यों नहीं ग्रहण किया? साथ में आने जाने वाले लोगों को ग्रहण क्यों नहीं किया आंख ने? क्योंकि बुद्धि जो है, मन जो है, जो दसों इंद्रियों का मुखिया है, वो उन इंद्रियों का साथ ही नहीं दे रही है। ऐसे ही जो विशेष इंद्रिय है कंट्रोल करने के लिए, जिसे लिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत, क्यों? तो क्या कान जीते जगत जीत कि नाक जीते जगत जीत?
कौन सी इंद्री जीते जगत जीत? काम इंद्री जीते जगत जीत। तो उसके लिए बोला ये काम की इंद्रिय को जीतने का 100% पार्ट है वो एक का है, बाकी सब नंबर वार है। जिस एक का पार्ट है वो एवर प्योर कहा गया। एवर प्योरिटी और एवर इम्प्योरिटी शरीर में आने के बाद आंकी जाएगी या शरीर में आए ही नहीं आत्मा तब आंकी जाएगी? शरीर में आने के बाद आंकी जाएगी। और बाबा कोई मुरली में आता है स्थूल धन है नहीं करना है, स्थूल धन इकट्ठा नहीं करना है यानी कि जमा नहीं करना है, स्थूल धन सेवा में लगाना है, सेवा में लगाना है। हाँ मुरली में फिर आता है सब तन मन धन परिवार सहित यज्ञ में नहीं आना है, यज्ञ में नहीं आना है, समर्पित नहीं होना है, नहीं होना ऐसा तो कभी नहीं कहा। क्योंकि कोई कोई मुरली में आया था बाबा, क्या कोई बच्चे अपना मत लगा देगा फिर वहाँ? हाँ बाबा, बाबा परिस्थिति देख, बाबा का परमिशन नहीं है, बाबा हरेक की परिस्थिति देख करके डायरेक्शन देंगे ना। घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, तुम आके सरेंडर हो गए, अकेलौते बच्चे हो, तो ये अच्छी बात है? माँ बाप ने तुम्हारे शरीर को जन्म न दिया होता तो तुम कहाँ से पुरुषार्थी बन जाते भगवान को प्राप्त करने के लिए? और डीके वाले कहते हैं बिना सुने वाला है, बिना सुने वाला है, होता नहीं ये हंसपुर में भी वैसा झलक दिखाई देता है। ये अभी बाहरी भौतिक रूप में जो दिखाई देता है विनाश हो रहा है, अब ये अंत में 9 लाख जो आत्माएं हैं उनका बुद्धि, उनके अलावा और का बुद्धि विनाश होगा या भौतिक रूप में भी विनाश होगा? बुद्धि आत्मा को कहा जाता है, बुद्धि का विनाश कभी होता ही नहीं। हाँ बुद्धि तामसी बनती है, आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। हाँ आत्माओं में जो पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं वो पुरुषार्थ करके ऊंची स्टेज में पहुंच जाती हैं, आत्मिक स्थिति में टिक जाती हैं, उनका विनाश नहीं होगा, उनके शरीर का भी विनाश नहीं होगा। शरीर भी प्राकृतिक तरीके से सुरक्षित रहेंगे, फ्रीज हो जाएंगे, जैसे फ्रीज में रखी हुई कोई चीज सड़ती नहीं है। ये भौतिक विनाश जैसे अभी क्लाइमेट चेंज से सब तरीके से, क्लाइमेट चेंज होना, भूकंप आना, बरसात होना, अकाल होना, ये सब प्राकृतिक आपदाओं से भी विनाश होगा और एटमिक एनर्जी से भी विनाश होगा, ये मानवीय आपदाएं हैं। एक ही बार होगा या विस्तार विस्तार करके कितना साल तक में हो जाएगा? दो तरह के विनाश झाड़ के चित्र में दिखाए हैं। जो झाड़ का चित्र ब्रह्मा बाबा के थ्रू बनवाया शिव बाबा ने, उसमें दो प्रकार के विनाश दिखाए गए हैं दोनों कोने में। एक में महाभारी महाभारत युद्ध जो तृतीय विश्व युद्ध के नाम से है, और चतुर्थ विश्व युद्ध है एटमिक एनर्जी का युद्ध, उसमें सारी दुनिया खलास हो जाएगी। हाँ और भाई जी पूछ रहे हैं वो विनाश एक ढक से होगा या धीरे धीरे होगा? बाबा ने कहा मैं बच्चों को जास्ती दुख नहीं दूंगा। क्या 5-7 रोज में खेल खलास हो जाएगा? मूसलाधार बरसात होगी, और मूसलाधार बरसात जब होगी लगातार, क्योंकि एटम के विस्फोट हो पड़ेंगे एक साथ। दीपावली पे क्या करते हैं? पहले धीरे धीरे फटाक 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 छोड़ते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं? है सब इकट्ठे फोड़ देते हैं। तो यादगार कहाँ की है? यहाँ की यादगार। जो भक्ति मार्ग में जो चलते हैं बाहर का जो लोग है वो बोलते हैं अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये हवा फिजाया है बोलते हैं वो। हाँ वो तो बाबा भी कहते हैं, बाघ आया बाघ आया, शेर आया शेर आया, शेर आया ही नहीं। एक बार धोखा हो गया, दो बार धोखा हो गया, फिर आखिरी ना आ ही गया, ऐसे ही होगा।
क्योंकि जो बोलते हैं वो बोलने वाले ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? वो ज्ञानी है। और कृष्ण के राशि क्राइस्ट की राशि कृष्ण से मिलती है, कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलती है। हाँ, फॉलोअर्स कृष्ण को फॉलो करते हैं। हाँ, इसका रहस्य ये है कि कृष्ण वाली आत्मा जो है वो कुत्तों को भी गोद में पालती है। यज्ञ के आदि में कुत्तों जैसी बिल्लों जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माओं को ब्रह्मा की सोल ने गोद में रखा या फेंक दिया? रखा। क्रिश्चियंस भी कुत्ते पालते हैं कि नहीं? क्रिश्चियंस भी कुत्ते पालते हैं। और एक देवता दिखाया गया जिसे भगवान मानते हैं, देखा है? सुना नहीं? उसके चारों तरफ कुत्ते दिखाते हैं। दत्तात्रेय, क्या? त्रेय माने तीन के द्वारा, दत्ता माने दिया हुआ, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन के द्वारा दिया हुआ। कौन बच्चा? दत्तात्रेय गुणग्राही था, किसी के अवगुण नहीं देखता। कौन है वो? ब्रह्मा बाबा। कौन किसको पालता है? कुत्तों बिल्लों को पालता है। तो राशि नहीं मिला जाएगी। और बाबा, हाँ, मुरली में बात आई है सावित्री और सत्यवान, यह बेहद में कौन है? सावित्री, सौ हंड्रेड, और इत्री माने सुगंध। कितने प्रकार की सुगंध? सौ प्रकार की सुगंध जिसमें भरी पड़ी हो, उसका नाम दिया है शास्त्रों में सावित्री। ऐसी जो सावित्री है वो सत्यवान को जीवित कर लेती है। कौन सी पावर से है? अरे इत्र माना खुशबू, किस बात की आती है? प्योरिटी की खुशबू है, तो उसमें खुशबू भरी हुई है, हर धर्म की खुशबू भरी हुई है। उस पवित्रता की पावर से उसने उसको जीवित कर लिया। और कीड़े, आज की मुरली में आया कीड़े मकोड़े जानवर में भी आत्मा होती है? होती है। मुसलमान नहीं मानते इस बात को, वो कहते हैं कि रूह जो है सिर्फ मनुष्य में होती है, इंसान में, दूसरे जानवरों में रूह नहीं होती, आत्मा नहीं होती है। इसलिए हम उनको क्या करते हैं? मार देते हैं। उनका बुद्धि मन भी कम पड़ता है क्या? हैं? जो कीड़े मकोड़े जानवर होते हैं उनका बुद्धि और मन भी कमजोर पड़ते हैं क्या? कीड़ा रेंगता हुआ जा रहा है, उसके चार अंगुल जाकर के थप से मारो तो रुकेगा कि नहीं है? रुकेगा ना, बुद्धि है कि नहीं है? बल्कि पशु पक्षियों में और ही जास्ती बुद्धि होती है। चींटियां हैं, बरसात आने वाली होती है तो अंडे लेकर के भागती हैं कि नहीं भागती हैं? उनको कैसे पता चलता है कि बरसात होने वाली है? कोई कोई मामले में उनकी प्योरिटी की पावर जो चींटियों की यूनिटी को दिखाती है, यूनिटी होती है कि नहीं? शहद की मक्खियों में, चींटियों में जो गट्ठर की गट्ठर इकट्ठी होकर रहती हैं, वो यूनिटी की पावर किस बात की द्योतक है? यूनिटी कहाँ से आती है? प्योरिटी से आती है। और जिस स्थिति में है उसी में जाती है आत्मा प्रवेश है? वो जब डेथ होने के बाद उसका आत्मा भी चीटियों में जाता है या और जानवर भी या मनुष्य में आता है? बैंगन की आत्मा माने बीज, बैंगन ही बनेगा कि आम बन जाएगा? हैं? बैंगन ही बनेगा। नीम का बीज नीम ही बनेगा
या गन्ना बन जाएगा, नीम भी बनेगा। मनुष्य जो है वो मनुष्य की आत्मा शरीर छोड़ेगी, अपना वृक्ष त्यागेगी तो क्या बनेगी? मनुष्य ही बनेगी। मनुष्य में जो मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति है वो दूसरे जानवरों में है ही नहीं। बाबा उनका आत्मा परम धाम में जाएगी ना? क्यों नहीं जाएगी? अरे पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। ब्रह्म कुमारी ने एक मुरली चलाया था बाबा, उनके आत्मा परम धाम से नीचे रहेगी, ये अंतरिक्ष में रहेगी बोल के सुना था बाबा। मुरली शिव बाबा की होती है कि ब्रह्मा कुमारियों की होती है? ये तुम क्या कह रहे, गड़बड़ सड़बड़ बोलते रहते। जब जाते थे उस टाइम में सुने थे। हाँ वो बात छोड़ दो, खैरा गैरा नथू खैरा कोई भी बोलना शुरू करेगा तो उसकी मुरली हो गई। बाबा को मुरली से वो व्याख्या कर रही थी एक बहन। आप मुरली नहीं सुनते हैं? फिर आपने मुरली में कभी ऐसा सुना? फिर हाँ जी। और शिव बाबा को मुरली किसने सुनाई? जिसे हम शिव बाबा कहते हैं उस आत्मा को ब्रह्मा बाबा ने जब मुरली सुनाई तो इसको इमर्ज करके सुनाते थे या नहीं सुनाते थे? हैं? नहीं सुनाते थे, बस वो संस्कार भरे हुए। राम वाली आत्मा तो शरीर छोड़ चुकी पहले ही, फिर उसको मुरली कैसे सुनाई ब्रह्मा के मुख से? बाबा उन बच्चों को इमर्ज करके वाणी सुनाते थे। और अव्यक्त ब्रह्म बाबा इस सीजन में मुरली मतलब वाणी चलाना नहीं आ रही है, मतलब कम आते, तीन सीजन में नहीं आए, इसका मतलब क्या? अब उनका आने का पार्ट थोड़ा कम हो रहा है ना क्या बाबा? जैसे स्थूल शरीर है सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो बनता है कि नहीं? जब तमो बनता है तो शरीर जीर्ण छीर्ण होकर के छोड़ता है या नहीं? ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी 69 में आवास से बोलते थे, इतनी पावर थी उसने सूक्ष्म शरीर में, फिर बाद में धीरे धीरे आवास खत्म हो गई। अभी धीरे धीरे सारी पावर खत्म होती जा रही, क्योंकि वो आत्मा की बुद्धि में ईश्वरीय जो सत्य ज्ञान है वो बैठता जा रहा है, वो सूक्ष्म शरीर से मुक्त होते जा रहे हैं। बाप और बच्चे का जन्म एक साथ है कि अलग अलग है? हाँ? और बाबा आठ बादशाह या ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट नजर आवेंगे। हाँ? इसी संगम युग की बात है। संगम युग में अंत में फाइनल परीक्षा होने से पहले आठों धर्मों की आठ बादशाहियां स्पष्ट नजर आवेंगी। उनके मुखिया राजाएं हैं, जैसे मुखिया आत्माएं जो कंट्रोल करने वाली हैं वो भी समझ में आएंगी। हाँ ये कंट्रोल कर रहे हैं। और रावण तुम्हारे लिए दशनाथ होने के जोर लगाया था, राजधानी की स्थापन कर रहा है। स्थापन कर रहा है, सीढ़ी का चित्र है। एडवांस कोर्स में समझाया जाता है? नहीं समझाया जाता है। उसमें रावण का राज्य कब से शुरू हुआ? द्वापर की शूटिंग कब से शुरू हुई? हैं? सारा ही कोर्स भूल गए। 90 से द्वापर युग की शूटिंग तब से शुरू हुई जब से मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। कहाँ शुरू हुई, एडवांस में या बेसिक में?
वो सीढ़ी में जो रावण राज्य दिखाया गया है, शूटिंग दिखाई गई है, रावण अपनी जंजीरें फेंक रहा है, बंधन में डाल रहा है, तो ब्रह्मा कुमारों को बंधन में डाल रहा है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारों को बंधन में डाल रहा है? हैं? बंधन में डाला हुआ है। और रावण राज्य कहाँ है? पहले पहले कहाँ है? हैं? बेसिक में है। रावण के 10 सिर हैं या नहीं है? 10 सिर हैं। उनका बाप कौन? कौन? तो उसका रूप कौन सा दिखाया जाता है? गधे का। कौन है गधा? बच्चे को बाप क्या कहता है? हे गधे, क्यों कहता है? बाप बच्चे को गधा मोस्टली बोलता है, क्यों बोलता है? हैं? प्यार करके समझता है। हाँ, भले प्यार करके बोलता है लेकिन वो समझता नहीं है, इसीलिए तो गधे बोलता है। तो गधे का चित्र जो रावण के सर के ऊपर दिखाया जाता है वो ये यादगार है शास्त्र। और बाबा उसमें बताया ना, वो 20 नाखूनों का जोड़ देगा तुम्हारे लिए। हाँ, इस समय कहाँ तैयार कर रहा है? हाँ, राजधानी तैयार कर रहा है। वो सारी धन संपत्ति जो इकट्ठी हुई पड़ी है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, रजिस्ट्रेशन का काम श्रीमत के अनुकूल हुआ या बरखिलाफ हुआ? उसका भंडाफोड़ होगा या नहीं होगा? जब भंडाफोड़ होगा तो असलियत सत्ता किसके हाथ में आवेगी? तुम्हारे हाथ में आवेगी। तो तुम्हारे लिए तो राजधानी तैयार कर रहा है। ये बिहार में होगा कि नहीं? ये एडवांस में होगा कि नहीं? एडवांस में होगा कि नहीं? क्या एडवांस में? क्यों नहीं होगा? बीज रूप आत्माएं, बीज जो है, बीज में जो चीज होगी वो टहनियों में, पत्तों में, फलों में नहीं आएगी? आएगी। तो कैसे होगी बाबा? कैसे होगी? क्यों? ब्राह्मणों की दुनिया में अलग अलग तरीके के से एडवांस में बीज नहीं है? फिर तो यानी बाबा रावण 20 नाखून का जोर लेकर के फिर तुम्हारे लिए किसके लिए बाबा? बाबा वहाँ तो स्थूल रूप में शरीर छोड़ करके अव्यक्त हो गया, और यहाँ बाबा बच्चों की दृष्टि से जो अज्ञानी बच्चे हैं, बाप को पूरा नहीं पहचानते हैं, उनकी दृष्टि से ओझल होगा या नहीं होगा? तब क्या हाल होगा? वहाँ भी मम्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब नहीं कहा रावण राज्य की शूटिंग, तब नहीं विदेशों में सेंटर स्थापन हुए, तब नहीं विदेशों में जेंट्री बढ़ी। कौन से युग से विदेशों की शुरुआत होती है? द्वापर युग से होती है। तो मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। गुप्त हो जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे। फिर मम्मा की बात छोड़ दो, बाप की बात करो। मम्मा तो घुघट में है। हाँ, मम्मा के मम्मा, मम्मा तो अलग बात, पार्टी अलग। और गुप्त हो जाएंगे हैं? बाबा गुप्त हो जाएंगे किसके? हो नजरों से गुप्त हो जाएंगे वो जो पूरा पहचान। हाँ, अव्यक्त वाणी में बोला बच्चों की नजर से बाप ओझल नहीं हो सकता। दुनिया वालों के सामने बाप गुप्त हो गए, तुम बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष हो गए। ये 2000 के आसपास की अव्यक्तवाणी है। दुनिया वालों की नजरों से बाप गुप्त हो गए। माना क्या दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष थे? नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया वालों के लिए बोला कि ब्राह्मणों की दुनिया वालों को जिनको पता था कि बाप का पार्ट वहां चल रहा है वो गुप्त हो गए। अभी उन्हें पता नहीं है कहाँ है। तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। अभी प्रत्यक्ष है या नहीं है? नहीं, अभी प्रत्यक्ष है। लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा माया फाइनल परीक्षा में ऐसे कड़े कड़े प्रश्न पैदा करेगी कि निश्चय उखाड़ देगी नंबर वार। कितने टिकेंगे तुम्हें नहीं मालूम? बस जो 8 टिकेंगे वो ही बाप को पहचानते हुए रहेंगे, उन्हीं के आधार पर नई दुनिया की शुरुआत होगी।
पारिवारिक इकाई कोई होगी या नहीं होगी नई दुनिया की? है नहीं होगी? होगी। तो बाबा जो एडवांस में भी रावण विष्णु को जोर देकर जो राजा ही स्थापन करेगी वो आठ के लिए तैयार हो जाएगा? राजा ही स्थापन करने की बात नहीं बताई। बताया रावण तुम्हारे लिए विष्णु का जोर देकर राजधानी स्थापन कर रहा है। हाँ, राजधानी स्थापन करने के लिए सारी सगवड़ तैयार कर रहा है। वो नहीं राजधानी स्थापन करेंगे। हाँ, राजधानी तो आप स्थापन करेंगे बाप की मदद से। और लक्ष्मी को हरदम सुखी दिखाते हैं। लक्ष्मी को हरदम सुखी दिखाते हैं और सीता को खाली दुखी दिखाते हैं। लक्ष्मी को सुखी सुख में दिखाते हैं। हाँ, दुख में दिखाते हैं। अब बताओ, मुरली में तो बोला है सीता भी निकली तो राधा भी निकली। अब सीता का पार्ट किसका है और राधा का पार्ट किसका है? रा और दा। दा माने धारण करना, रा माने राम। किसने धारण किया राम को? राम के जीवन को जब से पहचाना तब से लेकर अंत तक किसने धारण किया? सीता ने धारण किया। राधा ने धारण किया, इसलिए राधा लक्ष्मी बनती है। सीता ने धनुष को उठाया, वो शिव के धनुष को उठाया तो उठा के फिर रखा कि नहीं रखा? है, अरे उठाया, उठाने के बाद फिर रखा कि नहीं रखा? नीचे नहीं रखा, नीचे रखा। तो पार्ट किसका है? उठाया भी और फिर रखा भी, वो किसका पार्ट है? हैं, जगदम्बा। हाँ, बोलो बोलो जल्दी बोलो, नहीं तो पर्चियाँ हमारे पास ढेर सारी आ गई, फिर हम बोलेंगे। हाँ, नेपाल देश में संविधान सभा का चुनाव तो शांतिपूर्ण हो गए, फिर अब नेपाल देश किस मोड़ पर जाएगा? अभी अभी नेपाल में संविधान सभा का चुनाव हो रहे हैं। इसका अर्थ संविधान लिखना है, है? प्रजातंत्र राज्य चालू हो गया। पहले राजा का राज्य था, अभी पक्का पक्का संविधान बन गया। विधानसभा भवन बन गया कि नहीं? तो विधान भी बनेगा कि नहीं बनेगा अगली बार चुनाव? विधानसभा भवन किस लिए बनाया गया, उसका लक्ष्य क्या? विधान बनाने के लिए बनाया गया ना, तो विधान भी तैयार हो जाएगा। जब पक्का पक्का विधान तैयार हो जाएगा तो जो राजाओं के द्वारा विधान चलता था उसकी समाप्ति हो जाएगी कि नहीं? है, समाप्ति हो जाएगी। ऐसे ही एडवांस की दुनिया में बाप ही हमेशा चलाता रहेगा या बच्चों के हाथ में भी देगा? है, बच्चों के हाथ में भी देगा तो प्रजातंत्र कहा जाएगा। बाबा, क्या नेपाल में अब शांति छाएगी? पहले बेहद के नेपाल में शांति छाएगी कि हद के नेपाल में छाएगी? हद की बेहद की। हम ये पूछ रहे हैं, पहले हद के नेपाल में शांति छाएगी या बेहद के नेपाल में शांति छाएगी? बेहद के नेपाल में। तो बेहद का नेपाल तो यहाँ बैठा हुआ है, ये हद का भी है और बेहद का भी है। हाँ, और हाँ, माउंट आबू में बाबा के पास 4.5 लाख बच्चे कब एक साथ खाना खाएंगे बैठेंगे? जब बोला बाबा ने तुम बच्चे परमधाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे, तो उतारेंगे कि नहीं? है, ऐसी आत्मिक स्थिति बनाएंगे कि रात में सोते समय भी आत्मिक स्थिति रहे और जागते समय भी आत्मिक स्थिति रहे। तो क्या हो गया वो स्थान? आत्मिक स्थिति वालों का स्थान माने क्या? परमधाम हो गया। तो कब होगा बाबा? हो, आप जब बनाओ तभी हो जाएगा। माहौल भी होना चाहिए ना बाबा, वो माहौल तो नहीं बन रहा है। वो इसे माहौल होना चाहिए, वो माहौल तो नहीं बन रहा है। एक बनाना चाहता है और दूसरा
उसको बिगाड़ देता है। कब बनेगी बाबा? जो राजाएं होते हैं वो अपनी चलाते हैं या दूसरे के शासन को स्वीकार कर लेते हैं? अपनी चलाते हैं। आप राजा बनेंगे कि नहीं? बनेंगे बाबा। बीड़ा उठाया कि नहीं? उठाया बाबा। उठाया है तो अपनी चलाओ। आप दूसरों की बात क्यों सुनते हैं? ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो वैसा करता है, इसलिए हम भी ऐसा करते हैं, हम भी कच्चे पड़ जाते हैं। अरे नई दुनिया का माहौल बनाने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? कोई नहीं होंगे, कोई नहीं होंगे माने बनेगी नहीं। अगर होंगे तो उनमें हमारा नंबर पहले होना चाहिए। नेगेटिव विचार क्यों आते हैं? पॉजिटिव आने चाहिए ना। ऑटोमेटिक हो जाता ना बाबा? ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, सब कुछ करने से होता है। वापस जाना है घर, जाना कि नहीं? घर वापस जाना है हमको। आपको घर वापस जाना है? आपकी छुट्टी जाइए। पूछने की भी दरकार नहीं, जिनका टाइम हो गया वो निकल जाए। बांदेली माताओं को फालतू वो सहन करना पड़ता है। संगम युग में एक सेकंड भी सुख का बड़ी तीव्र गति से अनुभव करेंगे तो उसकी प्राप्ति वहाँ लंबे समय तक चलेगी। बिल्कुल, इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए। अरे कोई भी दुख या सुख, कोई भी पाप या पुण्य जितनी तीव्र गति से किया जाता है उतना जल्दी फल देता है। कोई भी पाप धीमी गति से किया जाएगा तो कई जन्मों के बाद फल देता है। ऐसे यहाँ भी है, जितनी तीव्र गति से हम कोई संकल्प करेंगे अच्छा या बुरा, उसका फल उतने ही लंबे समय तक चलेगा। हाँ जी, और बाबा आपकी स्थिति वाले को आंखें एक ठीक हो जाता है। आत्मिक स्थिति वाले को एक ठीक हो जाता है आंखें। हाँ, बाबा ने बोला कि योगी की निशानी क्या होगी? योगी की निशानी होगी उसकी आंख, उसकी नजर एक टिक हो जाएगी। अगर कोई चंचल है, भोगी है, कोई भी इंद्रियों से भोगी ज्यादा है तो उसकी आंखें भी कैसी होंगी? चंचल आंखें होंगी। चंचलता निश्चल हो जाए तो योगी है। और ठीक बात है। हाँ, और किसी का आँख न चाहते हुए भी चंचल होती है बाबा, न चाहते हुए भी चंचल होती है, तो उसका कैसे? ये तो झूठी बात है। चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। जैसे नहीं, जैसे गीत गाते ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है मेरे यार, तो ऐसे आँख है, पूर्वजन्म के संस्कार हैं। और पूर्वजन्म के संस्कारों की जब रील घूम रही है ना, वो रील घूमती है तो आप कितना भी अच्छा पुरुषार्थ करना चाहें, पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता। हाँ, बाबा ने बोला माताएं क्यों रोती हो? हाँ, इसके उत्तर हमारे पास नहीं है। क्यों? संगम युग जो है वो रोने का युग है या मौजों का युग है? हैं? मौजों का युग है। मौज कब होती है? नहीं, मौज होने का मूल कारण क्या है जो जन्म जन्मांतर मौज में लाता है आत्मा को? उसका मूल कारण है संगम युग में श्रीमत पर चलना। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। माताएं मोह की कीड़ी होती हैं, मोह के बगैर रह नहीं सकती, तो दुखी होंगी या सुखी होंगी? तो 500 साल पहले तुलसीदास ने लिख करके रख दिया मोह सकल व्याधिन कर मूला। जितनी भी व्याधियां हैं, जितना भी दुख है, उन सब का मूल कारण है मोह। ये देह का मोह, देह के संबंधियों का मोह,
देह के पदार्थों का मोह, तो मोह छूटता नहीं है, तो जो पहली गाड़ी छूटेगी वो छूट ही जाएगी। और हाँ हाँ उसी समय परशुराम क्रोध में आ गए। हाँ परशुराम कौन था और क्यों क्रोध में? शिव का धनुष क्या है? है शिव का धनुष क्या है? रथ। रथ जो है शिव का, वो ही शिव का धनुष है। राम ने तोड़ दिया, इसका मतलब शिव का धनुष उससे पहले का है या राम का पार्ट जब प्रत्यक्ष होता है संसार में तब का है? पहले का है ना, यज्ञ पूर्व जन्म की बात है। शिव ने जिस शरीर को पहले पहले ग्रहण किया वो शरीरधारी ही शिव का धनुष, तीव्र पुरुषार्थी। वो तीव्र पुरुषार्थ को वो ही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आती है, उसको भी तोड़ देती है, माने वो धनुष उठाई लेती है और तोड़ भी देती है। यज्ञ के आदि में तो धनुष तो था, वो धनुष होते हुए भी तीव्र पुरुषार्थी होते हुए भी फेल हुआ या पास हुआ? फेल हो गया। और अभी क्या होगा है? अभी फेल होने की बात नहीं है। फेल वो होते हैं जो नेगेटिविटी में आते हैं, नेगेटिव संकल्प उठाते हैं, जिनमें पक्का ज्ञान होगा वो कभी नेगेटिव संकल्प नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने बोला है संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। अरे शरीर रूपी धनुष बता तो दिया, वो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप है, बेहद का बाप है या हद का बाप है? है? अरे जो प्रजापिता कहो, आदम कहो, एडम कहो, वो बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप है या 2, 4, 8, 100, 200 करोड़ मनुष्यों का बाप है? क्राइस्ट को तो 200 करोड़ मनुष्यों का बाप कहेंगे, 200 करोड़ क्रिश्चियंस है वो क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं, तो हद का है या बेहद का? क्राइस्ट जो 200 करोड़ मनुष्यों का बाप है वो कह रहे बेहद का है? हम क्राइस्ट की बात पूछ रहे, वो हद का हुआ ना, बेहद का किसे कहेंगे? जो सारी मनुष्य सृष्टि में जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबका बाप है, सबका बीज है, तो बेहद का ही है ना। और बाबा वो माता पूछ रही थी कि राम ने धनुष तोड़ा तो परशुराम को गुस्सा क्यों आया? हैं? हाँ परशुराम को गुस्सा, धनुष जो तोड़ेगा तो परशुराम को गुस्सा आएगा। जो 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 स्पर्श है, परशुराम शब्द नहीं है, स्पर्श है, स्पर्श करने मात्र से ही खेल खलास कर देता है, वो फरसा है उसका। वो परशुराम कौन सी है, कौन से धर्म का अनुगमन करने वाला है? सन्यास धर्म नहीं, क्रिश्चियनिटी का बीज है, चार कला अवतार। चार कलाएं कहाँ होती हैं? कलयुग में कौन सा धर्म आता है? अरे यही पता नहीं है कलयुग में कौन सा धर्म आता है, एक ही तो धर्म है जो कलयुग में आता है, है? पावरफुल धर्म एक ही है जो कलयुग में आता है। अरे है? हाँ सिख धर्म, वो पावरफुल आत्माएं हैं, हिंदुओं से भी जास्ती पावरफुल हैं।
स्वतंत्रता संग्राम में या उससे पहले भी हिंदुओं ने ज़्यादा बलिदान दिए स्वतंत्रता के लिए या सिखों ने ज़्यादा बलिदान दिए? सिखों ने जास्ती बलिदान दिए, पावरफुल हैं उस हिसाब से, इसलिए वो तो दखलंदाजी करेगा, क्रोध आएगा ना। और बाबा जी बाप की परिचय देना इतना बड़ा सेवा नहीं है, प्रत्यक्षता करना बड़ा सेवा है। हाँ, बाप का परिचय देना ये तो सब कोई दे लेते हैं, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करना ये सबके बस की बात नहीं है। बेसिक में ज्ञान का धुरंधर कौन माना जाता था? जगदीश भाई। जगदीश भाई कहते थे मैं बाप को प्रत्यक्ष करूंगा, फिर शरीर छोड़ने के बाद संदेशी में आए तो क्या बोला? नहीं कर पाया। कि मेरी जो तमन्ना थी जिंदगी की मैं बाप को प्रत्यक्ष करूंगा, वो मैं नहीं कर सका। तो असली प्रत्यक्षता बाप की, वो ही असली सेवा है। और कोई भी दुनिया के काम कौन सी पावर से होते हैं? प्योरिटी से होते हैं। जिसमें जास्ती प्योरिटी होगी वो ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। और निश्चय संशय में आने का कारण क्या है? सबसे जास्ती निश्चय और अनिश्चय के चक्र में कौन सी आत्मा आती है बोलो? है? अरे मुरली सुनते ही नहीं, कौन सी आत्मा आती है? कृष्ण वाली आत्मा आती है। कृष्ण वाली आत्मा पूरे 84 के चक्र में आती है। तो किसको कहेंगे? निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन आ रहा है अभी सबसे जास्ती? ब्राह्मण बच्चे आ रहे हैं या ब्रह्मा बाबा की आत्मा आ रही है? है? होता है, लेकिन बच्चों में भी सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन सी आत्मा आ रही? सबसे जास्ती ज्ञान कौन सुनता है? ब्रह्मा बाबा सुनता है। जो सबसे जास्ती ज्ञान सुनते हुए भी अनिश्चय में आ जाता है। अनिश्चय में भी आता है, फिर निश्चय में भी आता है। अनिश्चय में आता है तो गुलजार दादी में प्रवेश कर जाता है, पूर्व जन्म के जो बच्चे हैं उनको पोषण करने में चला जाता है। उसका निराकरण है? उसका निराकरण नहीं है बाबा। निराकरण क्यों नहीं है? अभ्यास है तो कौन थे वैराग्य ग्रह्य थे? अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करते करते परिपक्व बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे, आज नहीं तो कल बन जाएंगे। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण को बाजू का कपड़ा फूल दिखाते हैं। नारायण को बाजू का कपड़ा फूल दिखाते हैं, फूल बाजू का दिखाते हैं। हाँ, लक्ष्मी को हाफ वाला दिखाते हैं। हाँ, ये तो है। भुजा माने क्या? सहयोगी। तो जो ज्ञानी आत्माएं होंगी वो जास्ती अच्छा सहयोग करेंगी कि जो अज्ञानी आत्माएं होंगी वो ज्यादा अच्छा सहयोग करेंगी? और ज्ञानी जो आत्माएं हैं वो विश्व के पिता के पक्ष में जास्ती होंगी कि लक्ष्मी के पक्ष में? जो लक्ष्मी जो एक ही देवी नौ देवियों का पाठ बजाती है और नौवीं देवी महाकाली का पाठ बजाती है, भगवान की भुजाएं काट काट करके अपनी लज्जा बचाई लेती है, उसके ज़्यादा अच्छे सहयोगी होंगे? हैं? हाँ, तो नारायण को पूरी भुजा दिखाते हैं। और बाबा, हाँ, शिवलिंग में गाय को दूध चढ़ाते और देवता को ऊपर नहीं चढ़ाते शिवलिंग में, और वक्त गाय के दूध चढ़ाते है। हाँ, वो तो है, वो अभी देखो संगम युग में, और देवता में नहीं चढ़ाते। अभी संगम युग में देखो
कि जो शिवलिंग है जो सोमनाथ मंदिर से प्रत्यक्ष होता है, होता है कि नहीं? सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ होगा तो सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी बोला ना मुरली में, तो वो सोमनाथ मंदिर से प्रत्यक्ष होने वाला शिवलिंग सोमनाथ, उसमें ब्रह्मा कुमारियां दूध चढ़ाती थी कि नहीं चढ़ाती थी? हैं, चढ़ाती थी। हाँ, गाय का दूध चढ़ाती थी या भैंस का? गाय का दूध चढ़ाती थी। हाँ, ये बर्तनार पे पहनने ये शब्द समझ में नहीं आया बाबा, मतलब क्या है बर्तनार पे पहनने का अर्थ क्या? एक कौड़ी की भी कीमत नहीं, उसको कहते हैं भरतनाट्य पैनी। जो शिव बाबा का जन्म है वो बर्थ पाउंड है, और जितने भी जन्म हैं वो सब भरतनाट्य पैनी, एक कौड़ी की भी उनकी कीमत नहीं, उनके जन्म होने से कोई फायदा नहीं। और बाकी पैनी पर आते हैं बाबा, कभी कभी बाबा ने बोलते हैं बाकी पैनी, बाकी ऐसे करके गले मिलते हैं ना, तो उसको उसको बाकी पहनना कहा जाता है। है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गले का हार बनना। हाँ, है? पादरी। क्रिश्चियंस में जो गिरजाघर होता है उसका जो मुखिया होता है उसको कहते हैं पादरी। बाबा उल्फत शब्द का अर्थ क्या है? उल्फत, उल्फत, उल्फत गीत आते हैं ना बाबू, गीत के शब्द है बाबा, साकार बुद्धि में जो है। हाँ हाँ, उल्फत माने प्यार, उल्फत। हाँ हाँ, अर्थ क्या है बाबू, मेरे समझ में नहीं आया। उल्फत माने प्यार। हाँ, और बाबा दुनिया से बैराग आने का लक्षण क्या है? दुनिया से बैराग आने का लक्षण क्या? दुनिया से बैराग आने माना जो चीज भस्म होने वाली है उसको याद ही नहीं करना। वै वी राग, राग माने प्यार, राग माने प्यार, और वी राग माने प्यार से विपरीत। राग माने प्यार, वी वी माने विपरीत प्यार, तो राग नहीं करें प्यार नहीं करें तो कौन याद आएगा? एक बाप याद आएगा। अगर हम दुनिया वालों से राग करें तो कौन याद आएगा? दुनिया वाले याद आएंगे। सच्चे राजयोगी का लक्षण है? सच्चे राजयोगी का लक्षण, राजयोगी वो राज शब्द है, राग नहीं है। हाँ, और राज माने रहस्य, जिस योग में रहस्य भरा हुआ है। वो पूछ रहे हैं सत्य योगी का लक्षण क्या है? अभी तो बता दिया, जो योगी होगा उसके नेत्र योग लगाते समय, योग में बैठते समय कैसे हो जाएंगे? एक टिक हो जाएंगे। आंखें सबसे जास्ती चंचल अंग कौन सा होता है? हैं? आंखें सबसे जास्ती चंचल अंग है। अगर आंखों को कंट्रोल कर लिया तो दूसरी इंद्रिय कंट्रोल होगी कि नहीं? समझा जा सकता है कि नहीं? जिस जो अपनी आँखों जो सबसे जास्ती चंचल होती हैं उन आँखों को कंट्रोल कर सकता है, जिसके लिए मुरली में बोला 10-20-50 दृष्टि की भूलें, व्यभिचारी दृष्टि बनाने की भूलें रोज बच्चे करते होंगे। मन बहुत संचल, इसको एकाग्र करने के उपाय अभ्यास, वैराग ये सब मरे पड़े हैं। एक शिव बाबा जिंदा है क्या? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हाँ, ये लोग नहीं पढ़ने देंगे कोई। हाँ, ओम राधे, क्या पूछा? ओम राधे, ये पाठ किसका है? ओम राधे छोटी मम्मा है या बड़ी मम्मा? बड़ी मम्मा कौन है?
वाला है ना। आप यही पूछ रहे हैं ओम राधे अभी किसका पार्ट है? ओम राधे मानने वाला दूसरा वाला है ना। ये क्या पूछ रहे हैं? ओम राधे मम्मा का हैं? ओम राधे मम्मा का पार्ट क्या है? ओम राधे मानने का पार्ट कौन है? कौन है? पहली बात तो ये है कि बाबा ने मुरली में बताया मैं किसी का पार्ट बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बताऊंगा। अच्छा बाबा इशारा देते हैं, लिख के नहीं बताते लेकिन इशारा तो देते हैं, देते कि नहीं? ज्ञान में इशारे हैं कि नहीं मुरली में? तो बाबा ने इशारे दिए हैं। इशारा ये दिया है कि बाप दो हैं तो माँ भी दो होंगी या नहीं होंगी? तो कौन दो माँ हैं? एक छोटी माँ एक बड़ी माँ। ब्रह्मा बड़ी माँ है और जगदम्बा। ब्रह्मा बड़ी माँ और नहीं वो जिसने शरीर छोड़ दिया उस ओम राधे की बात कर रहे हैं कि वो ओम राधे अभी कहाँ विशेष पार्ट बजा रही है? अभी छोटी माँ में बजा, छोटी माँ में बजा रही है। वो छोटी माँ है तो छोटी माँ में जाती है और बड़ी माँ है ब्रह्मा बाबा तो किस में जाएगी? बड़ी माँ में पार्ट बजाती है, जगदम्बा में। जगदम्बा महाकाली बनती है। महाकाली के सर पर कौन दिखाया जाता है? चंद्रमा दिखाया जाता है। चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा जिसमें प्रवेश करता है किसमें प्रवेश करता है? अरे चित्रों में क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा बाबा किसमें प्रवेश करता है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा किसमें प्रवेश करता है? अरे कोई माता में प्रवेश करता है ना, कौन सी माता में? हाँ जगदम्बा जो महाकाली बनती है उसमें प्रवेश करता है। तो उसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, वो हो गई बड़ी मम्मा। और छोटी मम्मा, छोटी मम्मा कौन? ओम राधे। वो किस में प्रवेश करती है? वो इस बार मुरली में बोला है ओम राधे मम्मा, राधा बनेगी ये कृष्ण बच्चा बनेगा। तो छोटी मम्मा जो ओम राधे बनती है वो किस में प्रवेश करेगी? छोटी मम्मी। छोटी मम्मी क्या है, कौन है? अरे बड़े बड़े राजे रजवाड़े होते थे पुराने जमाने में, तो राजा सबसे ऊंची कुर्सी में बैठता था, उसके साथ राज लक्ष्मी बैठती थी और दूर उससे भी जास्ती ऊंची कुर्सी पर राजमाता बैठती थी। तो राजमाता कौन हुई ज्ञान में? है जगदम्बा हुई राजमाता। राज भरा हुआ है उसके अंदर, उस राज को सब नहीं पहचानते हैं, और पहचानते हैं तो कोई बताए क्या? नैया हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कैसे नहीं डूबेगी? है हिल डुल रही है कि नहीं हिल डुल रही है? अरे वो नैया हिलती डुलती है या नहीं हिलती डुलती है? पीपल पात सर समान डोला, पीपल के पत्ते की तरह हिलती डुलती है कि नहीं? पीपल की नैया, पीपल के पत्ते की नैया हल्की होगी या मजबूत भारी होगी? कहाँ चंद्रकांत वेदांत जहाज, इतना बड़ा जहाज, और कहाँ पीपल की नवैया जिसमें कृष्ण बिठैया बच्चा बैठा हुआ है। तो जो पीपल का पत्ते की तरह डोल रही है उसे नैया के लिए बोला। क्या बोला? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन ये शर्त है, वो डूब नहीं सकती। और बाबा जो जो बस से मधुबन के आधी घंटा दूरी में रहते हैं वो उन लोगों को कितने कितने दिनों में आना पड़ेगा क्लास के लिए? आधा घंटा दूर रहते हैं बस में आने से, अगर गरीब हैं तो महीने में एक बार आ जाए। अगर पैसे वाले हैं धारा पैसा खर्च करें सप्ताह सप्ताह आते रहें। फिर क्या बात? लेकिन जो सप्ताह सप्ताह आते हैं वो मुसलमानों की शूटिंग हो जाती है।
क्रिश्चियंस की शूटिंग हो जाती है। क्रिश्चियंस जो हैं वो गिरजाघर में कितने दिन के बाद जाते हैं? संडे संडे जाते हैं। और मुसलमान हैं जुम्मा जुम्मा, शुक्रवार शुक्रवार। उनका गुरु शुक्राचार्य, असुरों का गुरु। और जो मैंने मैंने आते हैं उनका क्या है? हैं सप्ताह सप्ताह आने वाले क्रिश्चियन। स्थिति परिस्थिति देखी जाती है ना, वो बाबा ने बता दिया ना, बहुत दूर रहते हैं तो रोज कैसे आएंगे? आ भी सकते हैं, कोई कोई हैं भी ऐसे कि बहुत दूर रहते हैं फिर भी आते हैं। माता जी को घर जाने की दिल्ली, आप जा सकते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, ओम शांति।